वाले पौधों को मुख्यतः हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि फूल वाले पौधे जो कि रंग बिरंगे और सुंदर फूलों के लिए लगाए जाते हैं, जैसे गेंदा, गुलदाउदी, जरबेरा, ऑर्किड इत्यादि। दूसरे पत्ती वाले पौधे जो कि अपनी खूबसूरत रंग बिरंगी पत्तियों के लिए लगाए जाते हैं। तो इन पौधों का प्रवर्धन दो विधि से किया जाता है। पहली विधि है बीज के द्वारा प्रवर्धन करना, दूसरी विधि है कायिक विधि या वनस्पतिक विधि के द्वारा इनका प्रवर्धन किया जा सकता है। बीज के द्वारा प्रवर्धित करने वाले पौधों के नाम है गार्डन नास्टर्शियम, एस्पेरिगस, गेंदा, पिटूनिया, पीस लिली, कैला लिली इत्यादि पौधों को हम बीज के द्वारा प्रवर्धित कर सकते हैं। इस विधि में हम पहले एक मिक्सचर बना लेते हैं जिसमें दो भाग कोकोपीट, एक भाग परलाइट और एक भाग वर्मिकुलाइट को मिक्स किया जाता है। इस मिश्रण को तैयार करने के बाद हम इसे प्रोट्रेस में भर लेते हैं। प्रोट्रे में मिश्रण भरने के बाद हम एक एक बीज को इस प्रोट्रे के बने हुए खांचों में डाल देते हैं और ऊपर से मिश्रण से बीजों को ढक देते हैं। उसके बाद हम हल्का सा पानी का छिड़काव करके इन बीजों को बीजों से भरी हुई ट्रे को हम छाया वाले स्थान पर अंकुरित होने के लिए रख देते हैं। मुख्यतः 2 से 3 सप्ताह के बीच इन बीजों में अंकुरण हो जाता है, जिसके पश्चात इनको गमलों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं वानस्पतिक विधि के द्वारा प्रवर्धन करने की। तो कायिक विधि के लिए हम बहुत सारे कटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लेयरिंग कर सकते हैं, जिसे हम गुटी बांधना भी कहते हैं एयर लेयरिंग, और बडिंग जिसे कलिका चढ़ाना, और ग्राफ्टिंग चश्मा चढ़ाना, या रनर्स और शकर का विभाजन करके भी इस तरह से पौधों का प्रवर्धन किया जा सकता है। अगर हम कटिंग की बात करें तो कटिंग में हमारे पास 3 तरह की कटिंग होती हैं। पहली हर्बेशियस कटिंग या सॉफ्टवुड कटिंग, दूसरी सेमी हार्डवुड कटिंग, और तीसरी हार्डवुड कटिंग। गुलदाउदी, कोलियस या गोल्डन मनी प्लांट या मनी प्लांट, इनको हम हर्बेशियस कटिंग या टर्मिनल कटिंग के द्वारा प्रवर्धित कर सकते हैं। इस विधि में हम पौधे की ऊपरी भाग से कटिंग लेते हैं, जिसकी लंबाई 3 से 4 इंच तक होती है। कटिंग को तोड़ने के बाद हम उसके नीचे की पत्तियां निकाल देते हैं और ऊपर 1 से 2 पत्ती ही रहने देते हैं, और कटिंग को सीधा नीचे से सीधा काट देते हैं। उसके बाद कटिंग को थोड़ा सा पानी में गीला कर लेते हैं, जिसके बाद हम उसे किसी रूटिंग हार्मोन जैसे रूटेक्स पाउडर में डुबोते हैं, और उसके बाद वो पाउडर जब आपकी हमारी कटिंग में लग जाता है, उसके बाद हम उस कटिंग को रूटिंग मीडिया में डाल देते हैं, और डालने के बाद कटिंग को मिश्रण को थोड़ा सा साइडों से दबा देते हैं, और उसके बाद उसमें पानी डालकर उसको रख देते हैं छाए वाले स्थान पर। 1 साल से कम उम्र की जो कटिंग होती है उसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं, और ये जो कटिंग होती है या जो कर्तन होती है इसकी मोटाई एक पेंसिल की मोटाई के बराबर होती है, जिसमें 4 से 5 तक बड्स होते हैं, और कटिंग का साइज 4 से 6 इंच तक होता है। इसमें भी हम नीचे के 2 से 3 पेयर जो पत्तियां हैं वो निकाल देते हैं, और ऊपर सिर्फ 1 से 2 पेयर पत्ती कर रहने देते हैं। उसी प्रकार हम इसे दोबारा रूटिंग पाउडर से ट्रीट करते हैं, या हम इसकी जगह रूटिंग हार्मोन IBA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और IBA 1500 ppm की मात्रा से हम इसको अगर हम उपचारित करेंगे तो अच्छी सी हमें रूट प्राप्त हो जाएगी और हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप हार्डवुड कटिंग का भी इस्तेमाल करके पौधे तैयार कर सकते हैं। बस हार्डवुड कटिंग में हमें जो रूटिंग हार्मोन लेना है वो उसकी मात्रा 2500 ppm इंडोल ब्यूटायरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, या मार्केट में ये जो रूटेक्स पाउडर होता है ये नंबर के हिसाब से मिलता है, 1, 2, 3 नंबर, यानी कि सॉफ्टवुड के लिए अलग, सेमी हार्डवुड के लिए अलग, और हार्डवुड कटिंग के लिए अलग। तो इस तरह से हम कटिंग के द्वारा पौधों को तैयार कर सकते हैं। दूसरी विधि है बडिंग या कलिका के द्वारा पौधे को तैयार करना। जो पौधारोपण सामग्री बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य होती है, जिसमें हमें एक एक कली का इस्तेमाल करना होता है, वहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गुलाब के लिए हम टी बडिंग का प्रयोग करते हैं, तो गुलाब जैसे
बहुमूल्य पौधों में हम टी बडिंग से उनका प्रवर्धन कर सकते हैं। जिन पौधों में रूटिंग जल्दी नहीं होती है या आसानी से नहीं होती है, उन्हें हम एयर लेयरिंग या गूटी के द्वारा प्रवर्धित करते हैं। इसमें हम पौधे की जो एक शाखा होती है या एक टहनी होती है, उसमें एक से डेढ़ इंच का कट लगाते हैं दोनों तरफ से, और उसके बाद हम उसकी छाल को उतार देते हैं। छाल उतारने के बाद जो खाली हमारे पास जगह रह गई है, उस पर हम रूटिंग हार्मोन लगा देते हैं, और जिसको हम स्फेग्नम मॉस से ढक देते हैं, और उस स्फेग्नम मॉस को हम थोड़ा सा गीला कर देते हैं ताकि उसमें नमी बनी रहे, जिसके बाद हम इसे अल्काथेन या पॉलीथीन शीट से दोनों तरफ से रस्सी से बांध देते हैं, और तकरीबन एक महीने के अंदर हमारे जो इस तरह के पौधे हैं उनमें रूटिंग हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास डिफेनबेकिया है, रबर प्लांट है, तो इस तरह के पौधों में हम एयर लेयरिंग से प्रोपगेशन कर सकते हैं। विभाजन विधि, ये एक और विधि है जिसके द्वारा हम पौधों को अलग करके, मदर प्लांट से अलग करके उनका प्रवर्धित कर सकते हैं। जैसे कि स्नेक प्लांट है, हमारा फिलोडेंड्रोन जनाडू है, या हमारा जरबेरा है, इसमें हम सकर से या रनर से जो पौधे निकलते हैं, मदर प्लांट से जो पौधा निकलता है उसको अलग करते हैं, और अलग करने के बाद हम उस पौधे के भाग को डाइथिन और वेविस्टिन के घोल में थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए डुबोते हैं, ताकि उसमें कोई भी रोग की संभावना ना रह सके। उसके पश्चात हम उस प्रोपेग्यूल को निकाल कर हम मीडिया रूटिंग हार्मोन से उपचारित करके हम उसे मीडिया में लगा देते हैं, और चाहे तो हम उसे गमले में लगा सकते हैं या हम किसी प्लास्टिक की थैली में लगा सकते हैं, और उसमें लगाने के बाद हम उसमें हल्का सा पानी देकर उसको छाया वाले स्थान पर रख सकते हैं। पौधों को रीपॉटिंग जो है इस समय किया जा सकता है, और ये कार्य हम सितंबर माह तक भी कर सकते हैं। जो पौधे बहुत बड़े हो चुके हैं और अब गमले से बाहर निकलने लगे हैं, उनका आकार बहुत बड़ा हो गया है, उनकी जड़ें बहुत फैल चुकी हैं, उनमें उन वैसे पौधों को हम रीपॉटिंग करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पौधे को, जिस पौधे को रिपॉटिंग करना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ताकि हम पौधे को उसकी रूट बॉल के साथ, मिट्टी की बॉल के साथ ही पौधे को बाहर निकाल सकें, जिसके बाद हम गमले को टेढ़ा करके पौधा निकाल लेते हैं। इसके बाद हम उस पौधे को नए गमले में, जिसका आकार पहले वाले गमले से बड़ा होगा, और उसमें हमने आधा गमला भर के, जिसमें मिश्रण भर के रखा होगा, ये मिश्रण दो भाग मिट्टी, एक भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और एक भाग रेत को मिलाकर बनाया जाता है, और इस मिश्रण से आधा गमला भरा होगा जिसके अंदर हम पौधे को रख देंगे, और उसके बाद बाकी मिश्रण को उसके ऊपर से डाल देंगे, और पौधे को चारों तरफ से मिट्टी को दबा देंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि गमला जो है वो हम पूरा गर्दन तक ना भरें, जिससे कि उसको पानी वानी देने में आसानी रहे। तो इसके बाद हम पौधे की मिट्टी को दबा कर उसको हल्का सा पानी दे दें, और पानी देने के बाद उसको छायादार स्थान पर रख दें, ताकि बहुत ज़्यादा धूप के कारण वो पौधा हमारा खराब ना हो जाए।